जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा रानी जय सुदर्शन जय 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 प्रभु का प्रभु का प्रभु प्रभु का जय जय प्रभु का जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज गचज्ज स्तोत्र सतस्य श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचज्ज स्तोत्र सतस्य श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजाता सहगणारघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीशाखनितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण तो ये शुभ आज बहुत शुभ दिन है और आज ये अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है और कहा जाता है साल में तीन बहुत विशेष दिन हैं। उन तीन विशेष दिन में से वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और विजयदशमी, इनको बहुत विशेष माना जाता है। और आज के दिनों में कोई तिथि नहीं होती, माने कोई मुहूर्त नहीं होता, बिना मुहूर्त के हम कर सकते सब कुछ।
तो शुरू करने के पहले आज के बहुत सारे आज शुभ अवसर है और उनमें उनको हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिस केसरी कमलों में करना चाहूँगा। वो गोलोक गमन किए पिछले रविवार को 5 मई को, और मेरा यह सौभाग्य हुआ कि मैं उनके इस विरह उत्सव में वृंदावन में गया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी इस्कॉन भक्त दमदम भक्त वृंद की तरफ से तो मैंने ये देखा कि जो विशेष शुद्ध और परम भक्त होते हैं भगवान के, उनको मैंने उनको खोना एक दुख तो है और साथ ही साथ एक आनंद भी है कि वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए। तो हम लोग सोमवार सुबह रात को पहुँचे, एक तरह से समझ लीजिए मिडनाइट में पहुँचे थे वृंदावन, और फिर महाराज जी का वप्पू को लाया गया वृंदावन में प्रभुपाद जी की समाधि में, फिर कृष्ण बलराम मंदिर में, फिर वहाँ से वो प्रभुपाद के क्वार्टर के सामने से निकल के जा रहे थे तब वहाँ दर्शन हुआ साक्षात रूप में, और उदंड नित्य कीर्तन हो रहा था, बहुत कीर्तन हो रहा था, और फिर उनको वहाँ से गौशाला ले जाया गया इस्कॉन गौशाला है जो वृंदावन में। तो वहाँ पे हम लोग ने माला ली थी और वो माला अर्पण करने के लिए बहुत भीड़ थी, मगर माला अर्पण किया तो हमें मैंने ये अनुभव किया कि मानो चारों तरफ उत्सव हो रहा हो। साधारणतः कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो वहाँ एक मातम का माहौल होता है, दुख होता है, जैसे दुख है, किंतु महाराज जी का बापू जब रखा हुआ था गौशाला में, एक बहुत बड़ा हॉल बना प्रसादम हॉल, एक स्टेज बनाया गया था वहाँ पे उनका के बापू को जब रखा गया था और बहुत कीर्तन हो रहा था, लोग आ रहे थे अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि उत्सव मनाया जा रहा है। और ये सही बात भी है, वैष्णव जब चले जाते हैं इस धरातल से तो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो ये बहुत आनंद का विषय है, मगर हाँ उनका संग हमें नहीं मिलेगा। संगा ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हैनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ये संग जो है बहुत विशेष होता है, जब तक वो इस धरातल पर रहते अपना संग प्रदान करके सभी को उसका उद्धार करते हैं, सबों को मुक्त करते हैं, और चले जाने के बाद भी अपनी वाणी के द्वारा वो सब समय इस भक्तों के बीच में रहते हैं, तो ये बहुत ही विशेष था। तो मैंने देखा कि बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, और जब उनकी समाधि भी हो रही है तो भी उस समय है ना भक्त लोग बहुत ही हृदय से कीर्तन कर रहे थे। तो जब समाधि हो रही थी तो वहाँ सब कोई जा नहीं सकते, बहुत भीड़ थी वहाँ, तो बाद में जब समाधि हो गई तो हम लोग गए थे, और शाम को उनकी समाधि के पास जब गए तो थोड़ा मट्टी है ना ब्रज की रज दी ऊपर, वो टाइल्स लगा दिया ऑलरेडी, और फिर हमने फूल अर्पण किया। हमारी साली माला बाकी थी, उस दिन बहुत हेक्टिक हो गया था, तो हम लोग बैठ के वहाँ माला किए तो इतना अच्छा लगा, माने ऐसे प्रतीत हो रहा था वहाँ पे वैष्णवों की समाधि है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराज जी का साक्षात संग मिल रहा, महाराज जी बैठे हैं और हम जप कर रहे हैं, और इतना अच्छा जप हुआ उस दिन, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा जप हुआ उस दिन। तो सबों के लिए हमने प्रार्थना की, ऐसा मानो कि सामने बैठे हैं, और बहुत हम रात 9:30 बजे तक थे,
9:30 बजे तक रात को वहाँ थे। भक्ति प्रेम महाराज भी वहाँ आए, बहुत सारे साधु संत जितने इस्कॉन के सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। तो प्रभुपाद जी के मतलब अंतरंग पार्षद थे महाराज जी, परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और प्रभुपाद जी के बाकी शिष्य भी वैसे ही हैं, तो उनका जो विशेष है ना योगदान रहा सारे विश्व में, इतना प्रचार किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, वो आने वाले दिनों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा, ऐसा मन होगा कि वो गए नहीं हैं, वो हैं, ऐसे मानो कि वो हैं और वो हमें साक्षात करने की जरूरत है। तो मेरी एक छोटी सी स्मृति आती है कि एक बार मैं दिल्ली में था, अब मुझे पता नहीं था कि महाराज जी की व्यास पूजा है, परम पूजा श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी की व्यास पूजा है। तो मेरे गुरु भाई थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा, आप चलेंगे अटेंड करने? बोला अच्छा जरूर चलेंगे। कई साल पहले की बात होगी, 4-5 साल पहले की बात होगी। तो मैं बोलूँगा जरूर चलेंगे। तो मैंने सोचा क्या लेंगे, क्या लूँ मैं महाराज जी के लिए, क्या दूँ? तो महाराज जी को मैं प्रभुपाद जी के है ना जन्म स्थान की रज और प्रभुपाद जी के वो जो है ना कटल वृक्ष के नीचे जो उनका जन्म हुआ, तो वो पत्ता मैं एक अच्छा से एक सुंदर से एक डब्बा बनाया था, जूट का डब्बा था, उसमें रख के रखा था। ऐसे कोई मिलते थे तो मैं देता था, मैंने सोचा यही मैं गिफ्ट करूँगा। तो मैंने हम लोग गए तो एक ऑडिटोरियम में व्यास पूजा हो रही थी। वो ऑडिटोरियम का गेट, क्या मेन गेट जो नहीं होता लोहे का, वो बंद था, मैंने इतना पैक है अंदर कोई नहीं जा सकता। तो इच्छा बहुत तीव्र हो गई कि जाना है, मतलब बड़े लोहे के गेट थे और चारों तरफ से बाउंड्री था। हम लोग बैठ गए, मैं और हमारे जो गुरु भाई थे नित्यानंद राम, हम लोग दोनों बैठ गए। तो बैठ गए तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये ईस्ट ऑफ कैलाश बोलते उनके प्रेसिडेंट वहाँ मोहन रूप प्रभु, वो आए। तो हमको लगा कुछ चांस है अंदर जाने का, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है, उनको तो जाने मिलेगा अंदर। तो जैसे वो आए तो वहाँ जो भक्त लोग कुछ खड़े थे, तो देखे प्रभु जी आए हैं। तो जैसे खुले, मैं तो सैफरन में था तो मैं पीछे पीछे उनके हो लिया, और पीछे पीछे हो लिया। बस जैसे ही वो घुस रहे थे बंद करने लगे सब लोग, तब तक मेरे नित्यानंद राम प्रभु जो गुरु भाई थे वो भी एकदम सट के थे। हम लोग अंदर घुसे, कुछ लोग 5-7 लोग बंद कर दिया उन्होंने फिर से दरवाज़ा, तो घुस गए। पहला एंट्री हम लोग मार लिए, अब क्या करें। तो ऑडिटोरियम में गए तो ऑडिटोरियम ऐसे पैक था, पूरा लोग नीचे बैठे हुए थे और स्टेज के ऊपर गुरु महाराज को सब लोग कुछ उपहार दे रहे थे। तो मैंने अपने पॉकेट में उपहार रखा था, मैं सोचा कैसे दें अब, और वहाँ तक जाना तो असंभव लग रहा था, बिल्कुल असंभव कार्य था। तो मैंने बोला नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, आज प्रभुपाद जी के इस उपहार को ज़रूर देना है। तो कैसे कैसे धीरे 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 स्टेज तक पहुंच गए। तो सब लोग बैठे थे मगर स्टेज के दोनों तरफ बाउंसर लोग थे, बड़े 3-3 बाउंसर, और बाउंसर माने बंगाल के बाउंसर नहीं, वो पंजाब के बाउंसर कैसे होंगे आप सोचिए, हट्टे कट्टे 7 फीट लंबे चौड़स छाती, बाप रे देखने में डर लगे। तो मैंने सोचा कैसे स्टेज पे चढ़ना, तो बड़ा असंभव लगता है, यहाँ तक तो पहुँच गए, धीरे धीरे निकल के आ गए स्टेज तक, तो अब स्टेज तक कैसे पहुँचेंगे। तो सोचा स्टेज तक कैसे पहुँचे, हिम्मत किया, मैंने बोला चलते हैं जो होगा। तो वो जैसे सीढ़ी पे चढ़ने लगे, ऐसे सीढ़ी वहाँ होती है ना, तो एक तरफ से चढ़ने लगे तो बाउंसर ने रोक लिया, ऐसे बोलो ऊपर नहीं जा सकते।
तो बोले मुझे महाराज बुला रहे, देखिए वो जैसे वैसे महाराज की ओर देखे, मैं उतर के स्टेज पे चढ़ा चल गए उतर उठ के। तब तक उनको समय नहीं मिला, तब तक रोकेंगे कि क्या करेंगे, जैसे उधर पीछे मुड़े झूठ बोल दिया उनको सॉरी, बोले महाराज मुझे बुला रहे देखिए। वो अच्छा अच्छा ऐसे जैसे देखे जब तक चढ़ के चला गया तब तक कुछ नहीं कर पाया, वो जाके लाइन में लग गए। एकदम से सभी लाइन को व्यतिक्रम करके, मतलब लाइन लंबी थी, उपहार की लाइन बहुत लंबी थी दोनों तरफ कतारें, अब बीच में जाके घुस गए। फिर महाराज जी को स्टेज पे जल्दी से प्रणाम कर लो, कोई प्रणाम नहीं कर सकता है, बोले जल्दी जल्दी सब उपहार दीजिए, एक तरफ जाइए, एक तरफ से आइए, एक तरफ से उतरिए। तो जाके ना उनको दिया, तो बोला क्या है इसमें, व्हाट इज देयर। तो मैंने बोला कि प्रभुपाद की जन्मस्थान की रज है, और उनके जो जिस वृक्ष के नीचे, कटहल के वृक्ष के नीचे जन्म लेते उसका पत्ता है। तो तुरंत उन्होंने इतना वो खुश हो गए, उनको खोला उन्होंने और तुरंत उस रज को मुंह में लिया, और उसके बाद बंद के ऐसे माथे में लगाया और बोला बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इतना छोटा सा इंटरेक्शन होने के बाद तुरंत फिर लोग बोले जाइए जाइए, तो देखे उतर गया, तो बहुत आनंद आया। महाराज जी को ये कोई उपहार दिया तो इतना खुश हो गए, वो तुरंत उस रज को उन्होंने मुंह में डाला। मुझे आज भी याद है ये छोटी सी सेवा मैं महाराज जी के लिए कर पाया। और भी एक याद आता है, तो ये महाराज जी के लिए ये मेरा पर्सनल इंटरेक्शन जो है ये महाराज जी के साथ हुआ, मगर मैं मेरी बहुत ही श्रद्धा है उनके प्रति, और बहुत श्रद्धा से मैं अभी भी देखता हूँ उनको, क्योंकि जितनी वो सेवा किए हैं प्रभुपाद जी के लिए वो अतुलनीय है। और मैंने अपने गुरु महाराज को, परम पूज्य श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को 6 महीने में खो दिया, जब इनिशिएशन लिया 2001 में। उसके बाद 2001 जुलाई में, और 2002 मार्च 15 डेट था, मगर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के का तिरुभाव तिथि था, उस दिन गुरुदेव चले गए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो बहुत कम समय उनका संग मिला, मगर जो भी थोड़ा मिला उसके आधार पे, उनकी वाणी के आधार पे अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी वो जो शिक्षा दिए थे कि सभी मेरे जो गुरु भाई हैं वो मेरे समान हैं, मुझसे नीचा मत देखना उनको कभी, मेरे बराबर है, तुम जैसा मुझे सम्मान देते हो उनको भी सम्मान देना। और विशेष उनकी वाणी के आधार पे हम लोग जा रहे थे, तो कलकत्ता में श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज गुरु महाराज को वो बोल के गए थे कि आप उनके पिता हैं, गुरु महाराज ने एक बार बताया था कि आप उनके पिता हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा। तो गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हमें बताए कि ऐसा बताया था उन्होंने, और बहुत स्नेह करते थे पिता और माता, माता के रूप में ज़्यादा ऐसा समझिए। तो वो चले गए और उनसे हमने ब्राह्मण दीक्षा ली थी, तो हरिनाम दीक्षा लतमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से ली। और सैफरन हमारा जो हुआ वो परम पूज्य श्रील राधानाथ महाराज ने दिया, और मेरा बीड्स हरा गया था, खो गया मेरा चैंटिंग बीड्स, जब करते हैं जो 2004 में खो गया था। तो 2004 में खो गया तो मैं परम पूज्य जिला जयपता का महाराज के पास गया, तो उन्होंने मुझे चैंटिंग बीड्स दिया, तो जयपता का महाराज ने, तो उनको मैंने गुरुदेव के जय जने निवास को बोला गुरुदेव की समाधि में जाके उनके हाथ उनको दिखा दीजिए उनके पास, और रख के जप कर लीजिए। तो जयपता का महाराज ने दिया, तो वैष्णव की कृपा पे ये सारा जीवन निर्भर है, और उनके वाणी और उनको देख के ये जीवन चल रहा है। और है ना, फिर पंगजांगरी प्रभु जने निवास वो बहुत स्नेह करते थे, पंगजांगरी प्रभु चले गए, एक बहुत नज़दीक के लोग हमारे हैं, और है ना महाराज जी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगर जब गुरुदेव थे 2002 में
वो हम 15 दिन हम लोग सेवा किए जो गुरुदेव 2004 मार्च को आए, 4 मार्च को तमाल कृष्ण गोसाई महाराज, और 15 मार्च को सुबह चले गए फुलिया ग्राम में, वो गोलोक गमन किए, शरीर छोड़ा मतलब नवद्वीप में शरीर छोड़ा मैंने, नवद्वीप धाम गए। तो उस समय उनका जो गुरुदेव का क्वार्टर था कॉन्च बिल्डिंग में, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो क्वार्टर था पास पास में था। तो एक बार कुछ सेवा के लिए गुरुदेव ने भेजा, मैं कुछ कुछ सेवा करता था उनकी, तो मुझे उन्होंने भेजा था श्रीला महाराज जी के पास कि जाइए आप और उनका ये कुछ सामान दे के आइए। मेरी जो स्मृति में आता है अभी, मतलब इसको 22 साल हो गए, इतना याद 2002 और अभी 2024 चल रहा है, काफ़ी 2 साल मतलब 22 साल पहले की बात है। तो वो रूम में गया तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गौड़ निताई सेवा करते थे, और शालिग्राम जी, इतना दिव्य दर्शन था, इतना सुंदर वो बैठ के वहाँ पूजा कर रहे थे शांत चुपचाप। तो उनके सर्वेंट ने बोला कि महाराज जी पूजा कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं क्या थोड़ा दर्शन कर सकता हूँ खड़े होके? बोला हाँ कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, चुप रहिए, फिर जब उनका हो जाएगा आप खड़े रह सकते हैं। तो वो अवसर मिला कि खड़ा रहा, तो बहुत प्रेम से वो गौर निताई को मैंने शालिग्राम जी को ये किए, और फिर बहुत प्रेम से गौर निताई के आरती किए, फिर मेरे को मैंने महाराज जी की पूजा हो गई। बस 5-7 मिनट और शेष था, तो फिर मैंने बोला कि चलो गुरुदेव ने दिया है। बोला ओके ओके थैंक यू वेरी मच। फिर उनको कुछ सामान दिया, एक पैकेट था, और फिर आके गुरुदेव को बोला कि ही वॉज वर्शिपिंग, मैंने सामान दे दिया। तो हालांकि गुरुदेव ने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया था, मेरे को एक वरिष्ठ गुरु भ्राता थे, उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता उन्होंने बोला आप दे के आ जाइए। तो ये इंटरेक्शन बीच में हुआ, तो वो विग्रह के दर्शन शालिग्राम जी के दर्शन हुए हैं मुझे। और है ना, ये एक बार गुरु महाराज चलो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अल्बर्ट रोड मंदिर आए थे, और है ना रात बहुत जीबीसी मीटिंग का समय था, सब मायापुर जाएंगे, तो वो मायापुर जा रहे थे, तो उनको मैसेज करने के लिए कोई चाहिए था। तो मुझे भी मैं ये अवसर मिला, मुझे याद है कि मैं रूम में गया, तब मैं रिसीव कर रहा था, थोड़ा हम लोग सेवा करते थे है ना गेस्ट रिसेप्शन की, तो गए तो थोड़ा उनका पाद संबरण करने का भी मुझे अवसर मिला है। तो ये 2-3 इंटरेक्शन जो भी थे बहुत दिव्य थे मेरे लिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनकी इस तरह कृपा मिली मुझे। मैं तो उस लायक नहीं हूँ, फिर भी उनको याद करते हुए आज इस अक्षय तृतीया में उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ये कुछ से मैं थोड़ी बहुत जो भी है मैंने, और थोड़ा जो स्मृति में आया बताया आपको, तो है ना इस अक्षय तृतीया में बहुत सारी सुंदर सुंदर आज अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। कि मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि ये बहुत शुभ दिन है आज, इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता, जो भी हम करते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, और है ना बोला कि अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है ये दिन, अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। अक्षय फल मतलब जो फल कभी नाश नहीं होता, वो फल प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में प्रभुपाद जी ने स्थापना की, 16 मई 1953 में प्रभुपाद जी ने स्थापना की थी लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में। शुरू में 1953 से मतलब प्रभुपाद जी प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, तो झांसी में जाके कुछ भक्तों का समूह बनाया था उन्होंने। और आज सबको पता है कि आज से चंदन यात्रा का प्रारंभ होगा, और पुरी में बहुत ही सुंदर उत्सव होता है, राधा मदन मोहन जी को पालकी में ले जाया जाता है चंदन सरोवर, और
नरेंद्र सरोवर बोलते हैं, बहुत ही सुंदर बीच में मंदिर है, वहाँ जा के रखते हैं। और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सीमेंट के बेदिंग टब हैं, वहाँ पे रखा जाता है। मदन मोहन जी और भी विदर्भ जाते हैं, और फिर शाम के समय, मतलब रात के समय उनको निकाल के नौका विहार कराते हैं। बहुत सुंदर नौका विहार होती है उनकी। और जब ये नौका विहार होती थी तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि महाप्रभु इस चंदन यात्रा को बहुत ही हर्षोल्लास से देखने जाया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, नौका जब जाती थी भगवान की, दो बड़ी नौकाएं रहेंगी और उसमें बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो भगवान के बहुत सुंदर है ना मंदिर बनाया जाता है उसमें, और भगवान को रखा जाता है। और नौका विहार होती थी तो महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु वो पानी में तैर के नौका को पकड़ के और वो विहार करते थे, विहार कराते थे मदन मोहन जी को। ऐसा था उनका भाव मन का, इतना ये चंदन यात्रा है ना। तो और उसके साथ साथ आश्री श्री जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू होगा। मैंने ये इन सबों को मैं भाग लिया है चंदन यात्रा में भी, पुरी में बहुत सुंदर है। और रात को हम लोग गए नहीं, मगर वो नौका विहार करते तो देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर होता है। भगवान मदन मोहन जी को ले जाते हैं वहाँ से लेके पूरा हमने देखा है। और चंदन मैंने लकड़ी आ गई है, आप देखेंगे पूरा बड़ा दंड बोलते हैं, तो वहाँ सोने की कुल्हाड़ी और सोने के इससे शुरू करते हैं वहाँ पुजारी, हमें वो राम कुमार जी पांडा जी वहाँ दिखाए थे। हाँ, आज के दिन श्री बद्रीनाथ के दर्शन, बद्री विशाल बद्रीनाथ दर्शन खुल गए, आज से शुरू हो जाते हैं। आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, बांके बिहारी वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन चरण दर्शन आज से मिलते हैं। आज के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, सुदामा और कृष्ण मिले। आप जब जाएंगे, माने आप द्वारका से आप जब जाएंगे, वो देखिए एक जगह है कृष्ण सुदामा का मिलन, हम लोग उस जगह पे गए हैं, रितेश को भी गए थे, पोरबंदर, हाँ पोरबंदर, वहाँ पे ना इंदिरा महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है, क्या नाम है जगह का वो, हाँ पोरबंदर ना, वहीं पे एक जगह एक मंदिर, वहाँ सुदामा और कृष्ण मिलन है। और सुदामा जो चिड़ा लाए थे, सुदामा कृष्ण का मिलन हुआ, बोलो वो जगह है। हाँ बोलो, द्रौपदी का आज के दिन चिरहरण से रक्षण हुआ, द्रौपदी का चिरहरण से आज के दिन रक्षण हुआ था, रक्षा हुई थी। और ब्रज में पावन सरोवर का प्रकाट हुआ आज के दिन, पावन सरोवर और प्रेम सरोवर दो हैं, तो पावन सरोवर का प्रकाट हुआ आज के दिन। सिंहाचलम में श्री नरसिंह के पूर्ण दर्शन होंगे आज, एक साल साल में एक दिन निकलते हैं वो नरसिंह, नरसिंहदेव। और वो नरसिंहदेव ने तो बहुत अच्छे ज्वालामय हैं बोलते हैं, तो पूरा चंदन से ढके रहते हैं, मगर आज के दिन पूरा दर्शन होगा उनका सिंहाचलम में। और सूर्यदेव द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया गया आज के दिन। ये लीला आपको सबको पता होगी कि है ना, अक्षय ये जो अक्षय पात्र है ये द्रौपदी के पास हुआ करता था, तो वो जो भी जब तक वो लोग खाते, द्रौपदी नहीं खाती थी, जो भी मांगेंगे उसको मिल, उनको मिल जाता था वो अक्षय पात्र से, जो भी हलवा पूड़ी सब्जी जितना टन का टन चाहिए वो भी मिल जाएगा, मगर वो खाली उसके बाद नहीं मिलेगा मुझे। तो दुर्योधन को ये पता रहता था, दुर्योधन को ये मालूम था कि द्रौपदी के बाद, इसलिए उन्होंने क्या किया, दुर्वासा मुनि को भेज दिया वहाँ। अब भगवान ने उनकी रक्षा की, दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आगे, भूख लगी है, अब जानते थे वो लोग तो सब खा लेते, बोले आप स्नान करिए कुछ व्यवस्था करते हैं, प्रे भगवान से प्रार्थना करने लगी द्रौपदी, भगवान आ जाते हैं।
बोला चावल का एक कना लगा है देखो तुम्हारे अच्छे पात्र में, वो दे दो। वो खाए और सारों का तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, सारे जितने भी दुर्वासा मुनि के साथ उनके सहित उनके 60,000 शिशुओं का पेट भर गया। और ऐसा ढकान मने जैसे एकदम ओवर ईटिंग करने के बाद जैसे होता ना आदमी चल नहीं सकता वैसे हो गया। और भीम गदा लेके गए बुलाने के लिए, तो देखिए दुर्वासा मुनि भीम जी आए, सब भाग गए वहीं से वापस, कोई नहीं आए। तो भगवान रक्षा करने वाले भगवान हैं। और बोला आज के दिन महाभारत युद्ध का समापन हुआ, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। आज के दिन कुबेर को धन की प्राप्ति हुई और पद की प्राप्ति हो गई। कुबेर जी महाराज को आज के दिन गंगा माता का पृथ्वी पे आगमन हुआ। आप सबको पता होगा कि जब वामन देव ने तीन पग मांगे बलि महाराज से, तो वामन देव ने दो पग में सारे सभी दिशाओं को सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया, बोले तीसरा बोले तो एक पग जो छेदा था तो, और तीसरा पग उनके इस पे रख दिया था, बलि महाराज ने बोला मेरे सर पे रख दीजिए। तो दूसरे पग में जब छेदन किया, बोले कि एक पैर अपने पैर को ये किया तो ब्रह्मांड को छेद के बोला कि एकदम है ना क्या बोलते हैं गंगा को कहाँ आगमन किया, वो ब्रह्मांड से छेद करके गंगा इस पृथ्वी पे लाए। गंगा के प्रकट की और भी कहानी है मगर ये एक है कि गंगा इस तरह आई है। और बोला चारों युगों के प्रारंभ दिन को आज प्रारंभ दिन बोला गया, सत्य त्रेता द्वापर कली, तो चारों युग का प्रारंभ दिन है आज, अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ ये। आज के दिन से महाभारत की रचना प्रारंभ हुई, महाभारत लिखना शुरू किया व्यासदेव जी। आज ही अन्नपूर्ण देवी का प्रकाट्य हुआ। तो ये सब कुछ कुछ हैं और भी आप लोगों को अगर है ना, बोला देखिए ये परशुराम जयंती आज, अच्छा तो परशुराम जहाँ तो परशुराम जी का जयंती है और भी कुछ है ना, हे ग्रीवा जयंती है, भगवान हे ग्रीवा भी आज आए थे, हे ग्रीवा जयंती भी बोलते हैं। बोला कि ये जो अक्षय तृतीया है, कुछ भी अगर हम नया शुरू करते तो बहुत अच्छा होता है अक्षय तृतीया के दिन, और आज के दिन सफलता मिलती है और समृद्धि मिलती है। अक्षय माने जो कभी भी क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता। और कोई भी अगर हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं या कोई भी दान करते आज के दिन, वो कभी भी क्षय नहीं होता और बहुत कृपा मिलती है आज के दिन। उस कुछ भी आज हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो इसके लिए बोला सूर्य और चंद्र बहुत ही सबसे उच्च स्थान पर रहते आज के दिन, ये भी बोला गया। परशुराम जी का तो आपने बोला है ना, जमाद अग्नि के फादर उनका प्रकाट्य दिन है। और एक शून्य है काकभुसुंडी है, ये शून्य है वो कथा शून्य आ गए भगवान की ना। और उसके साथ बोलते नर नारायण ऋषि पिता धर्मदेव मरुति देवी, नर नारायण ऋषि का भी प्रकट हुआ है भगवान है, हे ग्रीवा का हुआ है, अन्नपूर्णा देवी का हुआ है। तो इन सब का प्रकट दिन है आज, ये बताया हमने है ना। और यहाँ पैसा भी बोला कि ना
ऐसा भी बोला कि मदर माँ गंगा जो है इस पृथ्वी पे आई भागीरथ के परिश्रम से, जो यहाँ पे है ना सूर्यवंश से भागीरथी, उसका भी प्रकट हुआ माँ गंगा का। और गंगा देवी की का विग्रह गंगोत्री से आया यहाँ, मुखाबा गांव से, और गंगा देवी के दर्शन आज से गंगोत्री में शुरू होते हैं। तो द्वारका में भगवान कृष्ण सुदामा से मिले थे, हमने बताया आपको है ना। बल सतयुग और त्रेता युग आज से शुरू होते हैं ऐसा भी बोला जाता है। मतलब ब्रह्मा जी आज के दिन से सृष्टि की रचना शुरू करते, ये भी बोला गया। और माधवेंद्र पुरीपाद की कथा आती है, जैसे हम जानते हैं सब लोग, हम लोग रेमुना गए थे, कितने लोग है ना रेमुना गए थे ना, तो रेमुना में चंदन भगवान को लगाने के लिए भगवान ने सपना दिया माधवेंद्र पुरीपाद है ना, माधवेंद्र पुरीपाद जो है, जब माधवेंद्र पुरीपाद वहाँ रहते थे ब्रज में, गोवर्धन में, गोविंद कुंड में, तो माधवेंद्र पुरीपाद को सपने में भगवान आए, सिद्धनाथ जी बोले मुझे बाहर निकालो, गर्मी लग रही है, मुझे भोगा लगाओ और मुझे हाँ, तो सिद्धनाथ द्वारा में जो सिद्धनाथ जी वही हैं, तो उनको सपने में दिए थे, तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उनको निकाला था, तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उनका अभिषेक कराया, सारे गांव में अन्नकूट उत्सव भोग लगाया था और फिर उनकी पूजा अर्चना की। फिर जब गर्मी का सीज़न आया तो भगवान ने बोला कि मुझे बहुत गर्मी लग रही, मुझे चंदन लगाओ, तो भगवान को चंदन लगाने के लिए बोला कि मलय पर्वत पे गए, प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहे, बोला मलय मलेशिया में मलय पर्वत, वहाँ से बोला उतने दूर तो नहीं, तो पूरी जाते, फिर वहाँ से आगे बोला चंदन इकट्ठा करके लाते, इतने बूढ़े थे, और हम जानते खीर चोरा गोपीनाथ की कहानी, माने माधवेंद्र पुरीपाद के लिए खीर चोरी किया भगवान ने, तो वो सोचे वो फेमस नहीं होंगे तो निकल गए जल्दी से, मगर उनका बहुत ही ख्याति हुई उनकी। और जब वापस आए थे तो रेमुना में आ गए चंदन लेके, तो भगवान ने उनको बोला कि गोपीनाथ जी से मैं अभिन्न हूँ, यहाँ चंदन लगा दो, मुझे चंदन लगाने के बराबर है, तो बोले कि वहाँ पे वो चंदन लगा दिए, रेमुना में चंदन लगा दिए। और रेमुना में जब चंदन लगाए तो देखो की बात, हाँ की व्यापार आज के, अच्छा तो ये बहुत शुभ है, काक डाकछे एखने डाकछे ऐसे डाकछे ओखने डाकछे, तो लेट्स सी शुभ के अशुभ, भगवान ये नहीं मानते हैं। मैंने बोला कि भगवान ने जब बोला तो वो चंदन लगा दिए, और चंदन लगा के फिर उनको, फिर वहाँ पे अपने शेष दिनों में माधवेंद्र पुरीपाद अपने बाकी के शेष दिनों में वहीं रह गए, और वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, और वहाँ पे समाधि भी है माधवेंद्र पुरीपाद की, आप में से रेमुना जाके देख सकते, बहुत सुंदर जगह रेमुना। बोला जगन्नाथ जी ने इंद्रदुन महाराज को बोला था कि उनको चंदन लगाना उनके शरीर को, तो वो चंदन लगाते थे। महाप्रभु के बारे में बताया कि वो जल अकेली करते थे, जाते थे है ना, रथ यात्रा शुरू होता है ये बता दिए थे ना, रथ यात्रा का रथ बनाना शुरू हो जाता है आज के दिन। बोले तीर्थराज प्रयागराज त्रिवेणी और सारे पुण्य नदियों का ना, ये पावन सरोवर में स्नान करते नंदगांव मथुरा में ये दिन में, और अपने सारे पापों से मुक्त होते हैं। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो है ना। बोला कि तिल जो है आज के दिन बनाया गया यज्ञ के लिए, और वराहदेव जब ने अपने शरीर को हिलाया तो उनके जो शरीर से जो जल निकला वो पृथ्वी पे गिरा,
और उससे तिल बना. उनके सम हेयर फ्रॉम हिज बॉडी ऑल्सो फेल ऑन द अर्थ एंड फ्रॉम द हेयर ऑफ द लॉर्ड वरादेव अपेड कुसा ग्रास, और कुसा दुर्वा ग्रास भी आज के दिन तैयार हुआ, ऐसा बोलते हैं. तो ये बहुत सुंदर सुंदर कुछ चीजें हैं. तो अंश से आए और उनके जल से तिल लाए. ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करेंगे. जो चीज़ थोड़े थोड़ी आप लोग को बताना चाहिए था उसको हमने बताया. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Yeah.